तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले रखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले रखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरुदेव पिता महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच जो उचेचे तौर ते संगतां दे सहयोग प्रबंधकां दे उद्यम नाल एक लड़ी गुरमत समागमां दी गुरुआं दे आगमन पुरब दे संबंध विच रखी गई उस लड़ी विच अज आखरी समागम अते शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दी मूरत पंचम गुरदेव सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े जुड़ बैठे सत्संगी जनों अमृत बाणी दे प्रवाह गुरु दरबार विखे शामा तो चल रहे हैं। अमृत बाणी दे कीर्तन सोदर दी चौंकी दे रूप विच उपरंत गुरशब्द बाणी दा नितनेम रहराज साहब दे रूप विच उपरंत गुरु के कीर्तनिया ने बड़े ही प्यार दे नाल गुरशब्द कीर्तन संगतां नूं श्रवण कराया है। बहुत ही खुशी हुंदी है जदों असीं देखदे हां जिथे संगतां दा उद्यम उत्साह है उत्थे इहो जे बच्चे सिंह जिहड़े कीर्तन कर रहे सन ये कोई प्रोफेसनल कीर्तन ही नहीं हैं। इन्हां ने अजे संगीत की विद्या हासिल की है नाल अजे पढ़ाई कर रहे एम बी ए फाइनल ईयर च ने सारे अपनी पढ़ाई दे नाल नाल जिथे भी समा सेवा मिलती है ये गुरु के कीर्तन की हाजिरी भरते है पर एक प्यार है। तो अज मैं बेनती करा सानू लोड़ है असं कहने ना कीर्तनीए वह बनते हैं प्रचारक वह बनते हैं जिहड़े पढ़ना नहीं जानते अगे पढ़ना नहीं चाहते पर ऐसी कोई गल नहीं बड़े बड़े अच्छे सूझवान दुनिया भी पढ़ाई दे माहर उन्होंने भी अपना जीवन गुरु के कीर्तन अते प्रचार लई समर्पित किया होया है। ये साडी नज़र का हेर फेर है सानू लगता है भी खबरे जिहड़े भाई लोग ने ये केवल मंग खाण वाले ही है पर ऐसी गल नहीं। सो बच्चों ने बड़ा प्यारा गुरु का जस के गुरु अर्जुन विटो कुरबाणी ये बचन भाई गुरदास साहब दे है रेंदे गुरु दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निरबाणी ये गुरु की वडियाई गुरु की शोभा है कि सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अर्जन साहब तुहाडी वडियाई करदे आ बनदी है
क्यों वड़ियाई करनी पैंदी है? क्योंकि तुसी उस दे समरथ हो, सारे गुणा दे समरथ हो, रहमतां दे मालक हो, शांति दी मूरत हो। सो ऐसे गुरु पिता दी वड़ियाई कर रहे हैं। अज उन्हां दा पावन प्रकाश पुरब है। कल दे दीवान विच भी समय मुताबक जिक्र पाने की कोशिश की। आओ अज भी नियत रहिंदे समय विच आपां गुरु उस्तत कर सकीए। ऐसी अरदास बेनती करो अते गुरु पातशाह दे चरणा विच सीस निभाउंदे आं। फतेह की प्रवानगी बख्शो, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरदेव पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का प्रकाश कल भी जिक्र किया, मैं टूक मात्र सांझ करदे आं। गोइंद बाल साहब विखे बीबी भानी जी की कुखों गुरु रामदास बापू जी के ग्रह विखे सब तो छोटे फरजंद, सब तो छोटे साहिबजादे, सब तो छोटे पुत्र के रूप में 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को आगमन होंदा है। नाना जी उस वेले गुरु हैं, गुरु अमरदास साहब। रब्बी जस वरदा इस घर के अंदर जिथे आप जी का आगमन होया। ताही भट्ट जी ने कहा भी तुसी ऐसे गुरु पहले गुरु हो जिन्हां ने अखां ही उस माहौल विच खोलियां ने जिथे रब्बी आनंद की चर्चा होंदी है। भट्ट जी ने जिक्र पा दिता कि तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। यही रूप जदों असी होर अगे पढ़ते हाँ बाबा जी दे जीवन का, तो कल भी तूक मात्र जिक्र किया सी भाई सिहारी मल जी दे बेटे दे व्याह दे विच जाण दी गल आई। पृथ्वी चंद जी भी मुकर गए। महादेव जी ने अपने अंदाज विच दुनियादारी दे विच वल्लों अपने आप नू उपराम ते निरलेप रहण दी गल नू दृढ़ा के मना कर दिता भी मैं भी नहीं जाना। लेकिन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज नू हुक्म होया ते सिर मत्थे हुक्म कबूल किया ते लाहौर विच गए। एक आगाज सी जो गुरु रामदास साहब ने समझाया भी कि जेड़ा अज गर्मी तपश ते हुक्म दी अदूली नहीं कर रहा, इन्हां दी परवाह नहीं करदा गर्मी है की है, उस गुरु वास्ते उस अपने उन्हां वल्लों ते इस पुत्र वास्ते ये बख्शिश सी कि जदों समा बनेगा जे उत्थे तत्तियां तवियां भी होण इसने उदों भी जाना है। और इस गल विच कोई दो राय नहीं कि समा जीवन अंदर बहुत औखा बाबा जी ने गुरदेव ने झल्लिया। एक हुंदा है ना बाहरला दुश्मन, बाहरला विरोधी, उस बारे बंदा सुचेत हुंदा है, चेतन हुंदा है। इत्थे ते अपने घर विच अपना वड्डा भरा बाबा पृथ्वी चंद विरोधी है। विरोध गद्दी दा है, विरोध लोकां विच जो नामना जो शोभा गुरु नानक दे एक सच्चे निर्मल सिख दी उस मुकाम नू पा जाण वाली अवस्था। धन गुरु रामदास साहब तो बाद गुरु रूप विच तब्दील होए गुरु अर्जन साहब ते पृथ्वी चंद ने विरोध किया। गुरु प्यारे हो, इत्थों तक आपां बड़ी बारी कथा विचार दे विच जिक्र हवाले देण लग्गियां कर पाने हैं कि जदों पगड़ी दी रसम होण लगी ते पृथ्वी चंद दी हालत इतनी माड़ी हो चुकी है कि जिस वक्त बाबा श्री चंद जी दो दस्तारा लेके आए ने, इतिहास लिखता है दो दस्तारा आईया उदासीन अखाड़े वालों जत्थे वालों गुरु नानक दे वड्डे सपुत्र वालों, ते वो दस्तारा दो इसलिए सन भी एक दुनियावी सन्मान मान ते जिम्मेवारी वो बाबा पृथ्वी चंद नूं दित्ती गई, ते जेड़ा अध्यात्मकता ते गुरु नानक दे घर दे सच्चे वारस बनण दा रूप है वो धन गुरु अर्जन साहब महाराज वास्ते लियांदी गई। जदों पृथ्वी चंद जी नूं पहलां वो पग दे दित्ती गई ते वो पग सी दुनिया भी रिश्ते नाते जिम्मेवारियां नूं निभाउण दी, ते जदों दूसरी पग दस्तार जिहड़ी है गुरु अर्जन साहब नूं देण लगे कहिंदे वो भी खो ली। इतना अंदर अपने आप नूं दड़ाउण दा जनाउण दा रूप सी कि मैं लायक हाँ, मेरे तो बिना गुरु नानक दा घर संभलना बहुत औखा है। लेकिन पातशाह शांत रहे,
विरोध सिखा ने किया, भाई गुरदास साहब वर्गे बाबा बुढ़ा साहब वर्गियां रूहां मौजूद ने, लेकिन धन गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज आप जी ने उन्होंने शांत किया, ठरमे नाल समझाया कि कोई गल नहीं, जेड़ी खेड निरंकार की जिमें वरतती है वह वरत के रहती है, इन्हों कर लैन दो, ऐसी रजा विच राजी रहना, ऐसी अपने आप नू गुरु हुकम विच समर्पण दे के समर्पित कर देने वाली भावना। खैर गुरता गद्दी की जिम्मेवारी आप जी नू मिली, जिते शांत सुभा ने उते आप जी ने अमृत बाणी लिखी, अमृत बाणी विच ऐसी ऐसी बरकत साडू समाज नू संसार नू एक आम मनुख नू खास बनाने लिए बख्श दिती कि अज जदों असी बाणी पढ़ते हाँ गुरु अर्जन साहब पातशाह धन हो तुसी ते तुहाडा ओ उपदेश जड़ा एक आम रुलदे फिरदे जीवन नू चंगा बनाउन वास्ते बड़ा सार्थक है, एक आम दुनियादारी दी चमक विच माया विच गलतान होए जीवन नू बिल्कुल निर्मल खोट तो रहत बनाने दे समर्थ है वह ज्ञान आप जी दा। मैं बड़ा सरल उदाहरण दे दें, रोज रैरा साहब विच पढ़ते हाँ, भई प्रापत मानुख दे हुरिया रोज पढ़ते हैं। अगर अज आप सचमुच दिलों गुरु अर्जन साहब के प्रकाश गुरपुरब न मनाने लिए बैठे हाँ तो सात संगत जी बेनती है समेत मेरे अपने अंतकरण नू किते जगा के धन गुरु अर्जन साहब बापू जी के इन बचना ही गंढ मार के पल्ले बन के लै जायो, इसे ने जीवन बदल देना, क्योंकि जीवन का सार गुरु ने लिखे है, सानू तो यही नहीं पता, साडा तो हाल है खाना पीना हसना सोना विसर गया गै मरना, चेता ही नहीं भी करन की आए हैं। ते गुरु अर्जन साहब बापू जी रोज याद करूंदे भई परापत मानुख देहुरिया, ए देहुरिया देही तैनू मिली है, क्यों मिली है मनुख दी देही, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, ए वरिया है ए वारी है, ए वारी है गोबिंद नू मिलन दी, ए वारी है निरंकार नू प्राप्त करन दी, यह वारी है जीव आत्मा नू परम आत्मा परमेश्वर विच अभेद करन दी, क्योंकि हजूर दी बाणी दा फैसला है कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया, ए बड़े अरसे तो बाद बड़े समय तो बाद ए देही प्राप्त हुई है, ते देही भी इतनी कीमती है, इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाह, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। फिर कहंदे ने अवर काज तेरे किते ना काम, ये जिन्हें भी तू कर्म कर दे ना रब नू मिलन वास्ते, देखो कम दो तरह दे, एक कर्म ने जेड़े संसारी जीवन निर्वाह करन वास्ते ने और वो करने भी चाहिए है, क्योंकि गुरमत का सिद्धांत है किरत अते कीरत, किरत विरत कर धर्म दी, हत्थां तो पैरां तो चल के किसे कम विच लगना वो किरत है, और किरत जेड़ी उस शरीर दी पालना लई लाहेबंद ते जरूरी कर्म, लेकिन नाल कहता कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, जिथे तू किरत करनी है उते कीर्ति भी गा, उस्तत कर इबादत कर, किरत दे नाल कीर्ति करनी है, सो अवर काज तेरे किते ना काम दा भावे नहीं कि आपा कम कार छड देना है, मखट्टू होए कै कन पड़ाए गुरपीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल ना लगी है भाए काल खाए,
किच हथों दे नानक राह पछाने से। ए गुरमत गाड़ी रस्ता है ते अवर काज तेरे कितै ना काम दा, मतलब है जिते किरत करनी है उते निरंकार दी कीर्ति विच सुरत जोड़ी, ते कीर्ति विच अडंबर ते पखंड नहीं होना चाहिदा। कीर्ति केवल तो केवल ओ होवे जिस दा हवाला बाबा जी ने गुरु अर्जन साहब महाराज ने दिता है, मिल साध संगत भज केवल नाम। उन्हां दे गुरपुरब ते आपां इतना की कर्म कर लईए कि संगत करदे आ, अकाल पुरख दे नाम नूं हिरदे धारण करना है, वरना वेखो दुनिया अज माया संसार भौतिकता विच बहुत ज्यादा गलतान है। यह संसार मोह माया दा अडम पसारा है और इसकी चमक सानू अन्ना करती है, सानू गुरु का ज्ञान नहीं दिसदा। जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अमृत बाणी का पाठ करो, पहला जपजी साहब है, जपजी साहब तो बाद रहराज साहब बाणी है, रहराज साहब तो बाद सोहेला साहब बाणी दर्ज है, उस तो बाद जो रागा की आरंभता होंदी है ते पहला राग है श्री राग महला पहला घर पहला। जगत गुरु बाबा नानक जी का बचन है, उन्होंने सच दे बयान किया, कहिंदे बंदा अज आके दुनिया विच मोह माया गलतान होया फिरदा है। ते सतगुरु समझाउंदे ने, मोती ता मंदर ऊसरे रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलना विसरै तेरा चित न आवै नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ, धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ, मत देख भूलना विसरै तेरा चित न आवै नाओ, सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवै नाओ। हजूर ने गल समझा दिती, तू सुल्तान बन जाएगा ते की होया है, हुक्म करेगा तख्तां ते बह के, लेकिन जदों हुक्म करदा बंदा तख्त दे मालिक बन के, हुक्म किए मन भाव दे राह भीड़ है अगे जावना, नंगा दोचक चालिया ता दिसे खरा डरावना, कर अवगुण पछोतावना। की होया जे महल माणिया उसार ले, की होया जे उना च हीरे जड़ ले, की होया जे पलंग तेरे हीरे जड़त ने। हजूर ते समझाउंदे ने ले के जिन्हां ने सोने दी लंका उसारी ओ भी इस दुनिया तो खाली चले गए। होर नेड़े होके गल नूं समझो, ए ते ओ पक्ष है जिहड़ा कि दुनियादारी विच हर मनुख की चाहत है। धन गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज कहिंदे आखदे ने, दुनिया के लोग धार्मिक ख्यालां वाले कर्म ते ओ भी बहुत लंबे लंबे करते हैं, वह भी बड़े वड्डे वड्डे कर्म करते हैं, कोई मोनी है, कोई जोगी है, कोई त्यागी है, कोई तीर्थां ते नहांदा है, कोई ग्रस्त छड़ जांदा है, कोई मंत्र जपी जांदा है, कोई पाठ पढ़ी जांदा है, पर जिहड़ा कर्म है अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इस नाम वाले पक्ष नूं जिसने छड़ दिता, होर जितने मर्जी कर्म कर, कहिंदे ने इन्हां कर्मां ने तेरे साथी नहीं जे होना। ते गुरु बाबा जी दे गुरु अर्जन साहब पिता दे बचन पढ़दे अष्टपदी है, मैं पढ़ के समाप्ति करा। इतना लमेरा सतगुरां ने एक सिद्धांत रख दिता सामने, बहुत वड्डी लिस्ट है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे, पंच जना से संग ना छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध विवेका, मोन भयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रमयो दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बसयो सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए।
तनिक कामनी हैवर गैवर बो भी दान दा तारा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिली है हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन दंडोत खटकर मारत रहता हो करत बंधन में परया न मिलिए ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आर जा फिर जन्म हरस्यो संग न गया। राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्मा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पूर्व लिखे का लेना। हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्मा मिल साध संगत भज केवल नाम। ये बोल गुरु अर्जन साहब देने दोनों सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा ए गुरबाणी दा होका हुकम है साडे लई। अज गुरु अर्जन साहब बापू जी नू चेते पे कर रहे हैं गुरु प्यारे हो चेते करदे हैं उन्हां नू नतमस्तक होने लई जुड़े हो अमृत बाणी दे कीर्तन अमृत बाणी दे प्रवाह चल रहे ने ते लाभ ते मुकम्मल तां है जदों असी गुरु के हुक्म नू अपने जीवन विच आधार दे के सहारा दे के संभाल लवांगे क्योंकि जदों नाम नू सांभांगे ज्ञान नू सांभांगे उसने जिंदगी दी थम्मी बन के टेक बन जाना है फिर ये जीवन डोलेगा नहीं। आखिर गुरदेव ने कह दिता हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा कहंदे कहो नानक तिस भयो परापत जिस पूर्व लिखे का लैना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एह मन राता ए रहाओ दूजा दो रहाओ ने इस बचन में। सो जितने भी धर्म के नाते लोग कर्म करते हैं कोई मोनी है कोई त्यागी है कोई हठी है कोई जपी है कोई तपी है कोई पहाड़ां च रहिंदा है कोई गुफावां च रहिंदा है लेकिन गुरदेव ने एको गल समझाई सानू कहंदे ने सारे कर्म कर तेरे लिए सिखा मैं एको रस्ता देना चाहुंदा ओ है संगत कर गुरु की ते बाणी पढ़ के नाम जपिया कर होर तैनू कुछ भी करन दी लोड़ नहीं। सात संगत अमृत वेले उठना गुरु द्वारे आना नितने बाणिया दे जाप करने इस तो वड्डा तप होर केड़ा हो सकता है। ये बड़ा वड्डा तप है जदों सिख गुरु कोल रोज नेम नाल हाजरी भरदा है ये नेम है ये योग है ये तप है ये साधना है पर हो नहीं पाता। इसलिए अज गुरपुरब के दिहाड़े आपो अपने मन नू संबोधन करदे आ अपने गुरु दे विच अकीदत अपनी श्रद्धा भेट करो ते अरजोई करो पातशाह जेड़ा आप जी दा बचन असी रोज पढ़दे आ अवर काज तेरा कित नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम किते इस दे लड़ ला दियो क्योंकि फिर अगला बचन है कहंदे ने बिल्कुल स्पष्ट किया देखो कहंदे सरंग जाम लाग सरंग जाम हुंदा इंतजाम होवे चंगे कारज विच लग जा केड़ा कारज है भव जल तरन कै। एक बेनती करा जितने कम असी करदे आ ना दुनियावी पद्धर ते जितने भी एडी एडी माया लोकां कोल है ढेर लगे है पर की ओ चैन नाल सौंदा है। सगो मैं देखिया जिन्ने एक तनाड़ ने ना उन्हां नू रात नू सौण तो पहला गोली दी लोड़ पैंदी है फिर इहो जे धन दा की करना है कि नींद ही ना आवे बेचैनी चिंता नाल गिरसे होए जीवन हन इंतजाम कर रहे हैं कल ये करना है परसों ये करना है अज इतना कुछ ले लिया कल होर खरीद लेना है लेकिन बंदे तू तरन दे नहीं अपने आप नू डोबण दे साधना च लगा है। जदों तक कोई काम नहीं ना हुंदा फिर बाबा बड़ा चेते आंदा है जोड़े झाड़दा है तप्पड़ झाड़दा है पोचे लांदा है
कारज सवर गए, धन कट्ठा हो गया, फिर पुछो गुरुद्वारे नहीं आउंदा। हुण ते समा ही कोई नहीं, क्योंकि हुण हालत पता की है, दात प्यारी विसरिया दाता रा, हुण ते रब ही भुल गया। ते जेड़ा दाते नूं भुलदा है वह इंतजाम तरन दा नहीं करता, वह अपने डुबण दे इंतजाम विच लग गया है। ये अवगुणे आ रहे पाथर भारे कट्ठे करी जा रहे हैं तो डुबदा, इस करके हजूर कहते हैं सरंग जाम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात। तेरा जन्म बिरथा बतीत हो रहा, गुजरता जा रहा है, बेअर्थ रंग माया कै। फिर कहते ने अरदास कर जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करम। कहना बहुत औखा है, कह भी दिने ते आदत बन गई है, ते कुकर हाँ असी ते चाकर हाँ सेवक होने, बाहर जाके आखो चाकरा गल सुनी, तैनू पता मैं प्रधान हाँ बोलता किवें है, ते स्टेज ते लखां च बोली जाना तू मैं चाकर हाँ, पर वो दिखावा है। ये गुरु चरणा विच निमाने होके कहना है, कहिंदे सच्चे पातशाह असी तेरे घर दे गुलाम हाँ चाकर हाँ सेवक हाँ, क्योंकि कहो नानक हम नीच करम, असी माड़े कर्म करते हैं, इस करके अरदास है शरण परे की रखो शर्मा, साड़ी शरण आया दी पत रख लो, ऐसी बेनती रोज करिया करो, रोज़ गुरु अर्जन साहब की कृपा वरतेगी तो फिर ये जीवन सफल कृपा हो जाएगी। इतने एक बचन प्रवान करने, अज समागम की लड़ी का आखिरी दिन है, तो अर्ज यही करांगा भाई जेड़े अज तक रोज़ हाजिर होंदे रहे ते जे कल तो रह गए, क्योंकि समागम समा तो लेट ही है ना, तो फिर कहना पैंदा भी लंगर वाले सिखां सी, ठीक है कुछ दी प्रीत है गुरु के कीर्तनिया नाल, दरबार साहब दे रागी सिंह समय समय आए, अज भी मेरे बड़े ही सत्कारयोग बड़े प्यारे वीर कुलदीप सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब पहुँचे हैं, अपना अपना एक नेह है एक प्यार है, उन्हां दे करके संगतां जुड़ियाँ अच्छी गल है, पर बाणी ते गुरु दी रोज़ ही गाई जाती है भाई, रोज़ भी आया करो, अपना भला है थोड़ा भला है, किणका भी किते हिरदे च वस गया ते सच जाणियो जिहड़ा पढ़दे हो कमाया जाएगा, किणका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै। सतगुरु रहमत करन, गुरु हुकम गुरबाणी दे ज्ञान मुताबक सानू जीवन जीना आ जाए, ताही गुरपुरब मनाए सफल हन। इतना वड्डा उपराला प्रबंधकां ने कीता, एक हफ्ता लगातार समागम चले, समागम रोज़ ही गुरु घर होंदे ने, रोज़ दा ही नेम हो जाए, फिर गुरु दियां बरकतां नाल झोड़ियां भड़नगियां, जीवन आनंदमय बनेगा। मैं विचार संकोचदा समूह संगतां नूं श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज शहीदां दे सरताज गुरु पिता दे पावन प्रकाश गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।